जी अब जैसा कि आप देख रहे हैं गुरुदेव हमारे बीच में आ चुके हैं, तो गुरुदेव का स्वागत करेंगे। आज एक बार फिर से मैं आप सबको हार्दिक बधाई दे देती हूँ। मलूक जयंती है और आप सब मलूक दास जी के जन्म समारोह में उपस्थित हैं। तो गुरुदेव का जो स्वागत है वो हम नैयर साहब हैं और प्रसाद साहब हैं और शर्मा जी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि गुरुदेव का स्वागत फूल माला पहना कर उन्हें करें। कक्कड़ जी यहाँ पर आए हुए हैं अलाहाबाद से, उनसे भी आग्रह है। शर्मा जी से मैं बाद में बुलवाऊंगी कुछ गुरुदेव के ऊपर, तो अभी कक्कड़ जी से आग्रह है। वो स्पेशली प्रकाश चंद्र कक्कड़ जी आए हैं अलाहाबाद से और कड़ा आश्रम में की देखभाल कर रहे हैं। और अभी जो गुरुदेव के शिष्य गए थे कड़ा में मलुक जयंती के अवसर पर, उनकी भी देखभाल उन्होंने वहां पर की और बहुत अच्छी प्रकार से समारोह संपन्न किया। तो वो आ गए हैं उपेंद्र जी। उपेंद्र जी आपसे आग्रह है, आप एक भजन सुना दें। बंदे मैं तो तेरे पास मुझको कहां बंदे मैं तो तेरे पास में मैं तो तेरे पास में मुझको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास रे मैं तो तेरे पास ना तीरथ में ना मूरत में ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में ना मंदिर में ना मस्जिद में ना मंदिर में ना मस्जिद में ना कब्र कैलाश में मुझको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपास में ना मैं क्रिया कर्म में रहता ना मैं क्रिया कर्म में रहता ना योग संन्यास में मुझको कहां
हूँ डेरे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई संतो, कहे कबीर सुनो भई संतो, मैं तो हूँ विश्वास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास ने। बात आज सुबह जो हमने मलुक दास जी की दोहावली पढ़ी थी उसमें भी वही कही गई थी कि हम तो बाहर भागते रहते हैं लेकिन जो भीतर कस्तूरी है उसकी ओर नहीं देखते हैं। और आगे भी जब ये समारोह संपन्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भी हम साधना कक्ष से बाहर निकलते ही फिर भाग शुरू करेंगे, शायद किसी तीर्थ स्थान में जाएंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, पत्तियाँ चढ़ाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ इसको सुन रहे हैं, हम इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं या इसको सच समझ के अपना नहीं रहे हैं। लेकिन बहुत ही सुंदर भजन था और उपेंद्र जी की आवाज़ तो हम सब जानते ही हैं कि कितनी मिठास से भरी हुई आवाज़ है। और आज मलुक जयंती है इसलिए मलुक दास जी की जीवनी पे कुछ मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, लेकिन फिर ध्यान आया कि हर वर्ष इस आश्रम में कोई ना कोई मलुक दास जी को जानने वाला, कोई मर्मज्ञ उनका इनवाइटेड होता है। और आज भी इस आश्रम में हमने उमेश चंद्र जी को बुलाया है जो कि मलुक साहित्य के मर्मज्ञ हैं और वो हमारे बीच पधार चुके हैं, बैठे हुए हैं, और कुछ उनसे दो शब्द भी हम बुलवाएंगे अभी इस अवसर पर। और उससे पहले मैं आग्रह करूंगी शर्मा जी से, शर्मा जी, दीनदयाल शर्मा जी आप आइए और थोड़ा उनका स्वागत करिए। Thank you.
आनंद में अविनाशी आत्म स्वरूप शरीर से मेरी बहनों और भाइयों, शर्मा जी ने बाबा मलुकदास जी के शब्दों को अलग अलग, माँ का अर्थ अलग, लू का अर्थ अलग, का अर्थ अलग, दा का अलग, दास का अलग, बड़े अच्छे तरीके से, और वो कार्ड आप जब तक पहुंच गया होगा उसे पढ़ना अच्छी अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास है। फिर उमेश चंद जी ने तो मलुकदास जी की वाणी पर उन्होंने तो माना कि मैं एक विद्वान नहीं हूँ, तो अगर मैं मलुकदास जी की ओर से कहूँ, क्योंकि मलुकदास जी भी विद्वान नहीं थे, तो अगर मैं ये कह रहे हैं कि मैं विद्वान नहीं हूँ और मंच पे खड़े होकर बोल रहे हैं, तो विद्वान के बाद दूसरा एक ही शब्द रह जाता है और वो है प्रज्ञावान। तो अगर विद्वान नहीं है तो प्रज्ञावान है, तो प्रज्ञावान है तो बाबा मलुकदास जी भी क्या हैं? जिस तरह कबीर ने कहा, मसी कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, बाबा मलुकदास जी ने कहा, वेद पढ़े पढ़ पंडित भूले, ज्ञानी कथ कथ ज्ञाना, पक्का मलु तेरी अद्भुत लीला, तो काऊ ना जाना। तो मैं जी, मैं तो प्रज्ञावान समझ करके आगे से लोगों से कहूँगा कि आपकी बात सुने। तो एक बात और, मलुकदास जी की ओर से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पर उस पूछने के पहले दुनिया देखी पर कुछ न मिला, दुनिया देखी पर कुछ न मिला, तुझको देखा सब कुछ पाया। दुनिया देखी पर कुछ न मिला, तुझको देखा सब कुछ पाया, संसार ज्ञान की महिमा से, संसार ज्ञान की महिमा से, प्रिय की पहचान कहीं सुंदर, तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। देवालय का देवता मौन, देवालय का देवता मौन, पर मन का देव मधुर बोले। देवालय का देवता मौन पर मन का देव मधुर बोले, इन मंदिर मस्जिद गिरजा से मन का भगवान कहीं सुंदर, तुरे तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। सुंदर है फूल विहग तितली, सुंदर है फूल विहग तितली, सुंदर है मेघ प्रकृति सुंदर, पर जो आँखों में बसा उसी, पर जो आँखों में बसा उसी सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। तो चूँकि कविता की बात आई और शायरी की भी बात आई, जहाँ तक शायरी की बात है और बाबा मलुकदास जी की ओर से अगर मैं कहूँ, एक शेर केवल प्रस्तुत कर देता हूँ। फकीरों की निगाहों में अजब तासीर होती है, फकीरों की निगाहों में अजब तासीर होती है, निगाहें लुत्फ से देखें तो खाक अक्सीर होती है। पर वो कैसे लुत्फ से देखें? वैसे तो बाबा मलुकदास जी ने भी कहा, चरण गहो जाए साधु के, क्या करो तुम? पहला काम यही करो कि साधु को ढूंढ लो, उसके चरण पकड़ लो जाकर। मगर मलुकदास का जो साधु है वो प्रचलित साधुओं से भिन्न है। भेष फकीरी जो करे मन नहीं आवे हाथ, यानी केवल भेष से जो फकीरी को अपना लेता है मन उसके हाथ, भेष फकीरी जो करे मन नहीं आवे हाथ, और दिल फकीर जो हो रहा साहब उसके साथ, यानी जो दिल की फकीरी अपना ले
साहब शब्द संतों ने परमात्मा के लिए प्रयोग किया है। अभी भी कबीरपंथी कबीर साहब ही कहते हैं, कबीर दादू साहब, कबीर साहब, नानक साहब शब्द बड़े प्रसिद्ध शब्द हैं। तो अब एक बात जो मैंने कहा कि पूछना चाहता हूँ बामलुक दास जी की ओर से, अपनी ओर से नहीं, तुम परमात्मा से किस प्रकार का संबंध जोड़ना चाहते हो? बामलुकदास जी पूछेंगे, अगर कभी मिल जाएंगे ना, मुझसे भी पूछा था, अरे मुझे तो जबरदस्ती पकड़ लिया गया है, कहाँ मैं किस तरीके के जीवन में जी रहा था, वो बामलुकदास जी के उस सिद्ध स्थान पे पहुँच गया और वहाँ जब मुझे आदेश दे दिया गया कि देखो ये 100 साल के अंदर मलुकदास जी की क्या स्मारक भी गिर गया, और अगर आज सुरक्षित हैं मलुकदास जी तो केवल अपने साहित्य के बदौलत सुरक्षित, अगर वो साहित्य ना होता ना तो शायद लोग बिल्कुल ही भूल गए होते। ऐसा हो भी चुका था, इलाहाबाद जिले में मलुक वो कड़ा धाम, और इलाहाबाद के लोग भी मलुक की जगह हमसे पूछें कि स्वामी जी आपके मूलक दास का क्या है, मतलब ये नाम ही मिट चुका था पर उसकी कृपा हुई, होते होते अब ये चर्चा में पूरी तरीके से आ चुका है। समर्पण की बात की थी उमेश जी ने, बहुत अच्छी बात, समर्पण बहुत जरूरी है। एक प्रश्न मलुकदास जी महाराज की ओर से पूछ रहा हूँ, तो तुम परमात्मा से किस प्रकार का संबंध बनाना चाहते हो? तुम्हारे अंदर उत्सुकता पैदा होगी कि संबंधों का कोई प्रकार हुआ करता? हाँ है, प्रकार है, तभी तो पूछ रहा हूँ। तो बाबा मलुकदास जी तुमसे जरूर पूछेंगे कि तुम किस प्रकार का संबंध परमात्मा से बनाना चाहते हो, शिष्टाचार का संबंध बनाना चाहते हो या प्रेमाचार का संबंध बनाना चाहते हो? जरा ईमानदारी से बताओ मेरे लोगों, तुम बैठ करके बहुत प्रवचन सुनते हो, दिन भर निकलता रहता है वो प्रवचन, रात दिन चलते रहते हैं, मगर ईमानदारी से कभी किसी ने तुमसे ये पूछा कि तुम किस प्रकार का संबंध बनाना चाहते हो? ये शिष्टाचार वाला, और यही तुमने बना रखा है, परंपरा बाप दादाओं से चला आ रहा है, ये कर्मकांड के ऊपर, क्रिया कर्मकांड के ऊपर जो मलुकदास जी ने चोट की है, तुम बता सकते हो क्या कारण है? तुमसे कहा जाता है तुम किसी ज्योतिषी के पास जाओ, पंडित के पास जाओ, पुरोहित के पास जाओ, तुम अपना कोई अपनी कोई समस्या बताओ, वो कहेगा सुनो तुम जाओ शंकर जी के ऊपर 2 लोटा जल और बेलपत्र रोज चढ़ा के आओ। वो बताएगा कि ब्रह्म बाबा, गांव में पीपल को ब्रह्म बाबा कहते हैं, ब्रह्म बाबा के नीचे रोज दिया जला के आओ। ऐसे कई कोई भी कर्मकांड बताया जा सकता है। मैं तुमसे पूछूं कि जितने भी कर्मकांड तुम करते हो, चाहे वो किसी प्रकार का हो, किसी तरीके का हो, ईमानदारी से बताओ क्या उसमें हृदय होता है? सारे कर्मकांड हृदयहीन कर्मकांड है, आप बताइए शर्मा जी, बता दिया इसको ऐसे कर दो, उसको वैसे कर दो, जा करके उसे कर आए और धर्मात्मा बन गए तुम। हृदयहीन कर्म करके, कर्मकांड करके तुम धर्म बनने की कल्पना करना चाहते हो? तो अगर बाबा मलुकदास जी ने इन सबको चोट की है तो उनको पता था कि ये हृदयहीन कर्मों से इनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। बाबा मलुकदास जी एक अवधूत थे, इस शब्द का प्रयोग भी किया है उन्होंने, अवधूत शब्द का, अवधू यही या करो बिचारा, कुछ इसी तरह का पद है, अवधूत शब्द का प्रयोग किया है। अच्छा मैं अपनी ओर से चलो कह रहा हूं कि बाबा मलुकदास एक अवधूत थे। अब अवधूत का क्या अर्थ होता है, किसे अवधूत कहते हैं?
अवधूत में चार शब्द हैं, आ वा धू और ता। अवधूत, आ का अर्थ है अक्षरत्व, आ का मतलब है अक्षरत्व। अक्षरत्व यानी जिस चीज का क्षरण न हो, मतलब जो जो हमेशा बनी रहे। गीता में भी एक श्लोक इसी अक्षरत्व को ही लेके आया है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम जो एक अक्षर है वही ब्रह्म है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, इसका व्यवहार करो और साथ में स्मरण भी बनाए रखो। मगर वो स्मरण कौन सा हो, वो स्मरण कौन सा हो, वो स्मरण हो बाबा मलुकदास जी वाला, व्याहरण माम अनुस्मरण। बाबा मलुकदास जी वाला स्मरण किस प्रकार का है, किस प्रकार का है बाबा मलुकदास जी वाला स्मरण? सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, और ओठ न परकत देखिए प्रेम राखिए गोय। ये है स्मरण की सबसे बड़ी ऊंचाई, जहां पहुंच के संत ने कह दिया कि माला जपो न कर जपो जिद्या कहो न राम, और सुमिरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखने, लखना कहते हैं देखने को, खड़ी बोली का शब्द है, दूसरे को दिखाई तक न दे। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, और ओठ न फरकत देखिए। यानी स्मरण करते समय ओठ हिलना भी नहीं चाहिए। अगर अभी हम विषय को और बढ़ाना चाहें तो वाचिक उपांशु मानसिक अजपा चारों के बात करनी होगी हमें, मगर इतने विषय को गंभीरता की ओर मैं नहीं अभी ले जाना चाहूँगा, काफ़ी समय हो जाएगा। तो सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, और ओठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। ओठ मत है, और प्रेम को छिपा के रखो, उसको बाहर क्यों आने देते हो? जो तेरे घट प्रेम है पामरे उदास जी, जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं ना सुनाओ। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। अरे तुम्हारा प्रेमी जो है, जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा है, वो सुन ले सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो पहले मैं अवधूत की बात बताऊँ। आ शब्द है अक्षरत्व के लिए। इस संसार में नश्वर शाश्वत दो चीजें हैं। नश्वर उसे कहते हैं जो है और फिर नहीं में बदल जाता है। माया का भी अर्थ यही होता है, माया जो है भी और नहीं भी है। तो नश्वरत उसका उसका है जिसका कोई भरोसा नहीं है, चलता है चलता है, जब गिर गया गिर गया। और शाश्वत वो है जो सदा बना रहता है। तो शाश्वत को ही अक्षरत्व कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो अवधूत में पहला शब्द जो आ है वो संकेत करता है अक्षरत्व की ओर। उसके बाद दूसरा शब्द है वा। वा का अर्थ है वर्ण करो। वा का अर्थ है अक्षरत्व का वर्ण करो, केवल ये जान करके कि परमात्मा या प्रभु अक्षर हैं, सदा रहने वाले हैं। ये तो एक विचार है इतने ही तक ना, बल्कि इसका वर्ण करो, इसको अपने जीवन में उतार लो, जीवन को उसी प्रकार बना लो। तो आ का अर्थ है अक्षरत्व और वा का अर्थ है वर्ण करना। और तीसरा शब्द है धू। धू का अर्थ है धूल। धूल माने इस संसार को धूल मान लो, ये मिट्टी है। और संतों ने कहा भी है ये काया मिट्टी की काया है, मिट्टी में ही मिल जानी है। तो धू का अर्थ है धूल, यानी तुम इस बात को स्वीकार कर लो
कि ये सारा संसार धूल ही है। और उसके बाद तीसरा शब्द आता है ता, ता का अर्थ है तत्वमसि। बड़ा गहरा अर्थ है। दूध शब्द का शायद पता नहीं कभी सुनने को तुम्हें मिला या नहीं मिला। ता का है तत्वमसि। तत्वमसि का मतलब यह है कि तुम केवल अपने को परमात्मा के लिए मत मानो। तत्वम असि यानी सारे ब्रह्मांड में हर जगह परमात्मा मौजूद है। ता का अर्थ है हर जगह परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करो। और जब तुम ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से किसके प्रति राग रहेगा, द्वेष रहेगा, किस पर क्रोध करोगे, सब तो अपने हो। तो ये हुआ अवधूत का अर्थ। तो इस अवधूत के इसी अर्थ को देखते हुए मैंने बाबा मलुकदास जी को अवधूत कहा कि वो एक अवधूत थे। एक बात मैंने कड़े में कही थी जिसको मैं यहां भी दोहराना जरूरी समझता हूं। मलुकदास जी की शिक्षा के कई कई बातें हैं। अगर उनको सबको बताना शुरू करूं तो पूरा एक ग्रंथ तैयार हो जाए। मैंने कड़े में बताया था खलील जिब्रान की एक कथा। खलील जिब्रान ने कथा लिखी है, उसमें वो लिखता है कि मैं बिजूका कहते हैं कि खेत में वो एक नकली आदमी खड़ा कर दिया जाता है ऐसे डंडा डंडा करके और हाथ करके, और उसको कपड़े भी पहना दे और सर जो है काला कर दिया जाता है कि दिखाई दे कि वो आदमी खड़ा है। तो एक बिजूका को देख करके सब चीज़ें बड़ी प्रतीकात्मक होती हैं। अब जैसे संत मलुकदास जी के जीवन की एक घटना है, बाबा मलुकदास जी के जीवन की घटना ये है कि एक तो जब शुरू में बचपन था उनका तो कंकड़ पम बीनते थे, आटा हटाते थे रास्ते से, घर के लोग कहते थे बताओ और कुछ नहीं, न पढ़ने जाता है न कुछ करता है, बस ये सब काम करता है, इसी में इसको आनंद आता है। एक सिद्ध पुरुष उधर से निकले, उन्होंने देखा उस बालक को, मल्लू नाम था पहले, घर का नाम मल्लू ही था, मल्लू से मलूक पड़ा। तो वो देखा कि बच्चे की, तो वो संत एक उधर से निकले, उन्होंने मल्लू को देखा और उन्होंने मलुकदास जी के पिता का नाम था सुंदरदास जी के पिता का नाम था जठरमल। यहीं तक की जानकारी है मेरे पास, इससे आगे का नहीं, मगर जठरमल से ये हमें पद संकेत मिलता है ये परिवार 50-60 साल पहले ही पंजाब से आया था, क्योंकि जठरमल शब्द उधर उत्तर प्रदेश में कहीं प्रचलित नहीं है। तो उन महात्मा ने देखा तो कहा, सुंदरदास जी जो मलुकदास जी के पिता थे उनको कहा कि देखो ये जो बच्चा है तुम्हारा, या तो ये लाखों के ऊपर राज्य करेगा या ये लाखों की प्रेरणा का स्रोत बनेगा, क्योंकि इसमें अजान बाहु है। अजान बाहु उसे कहते हैं जिसका हाथ घुटने के नीचे तक पहुंच जाता है। पहली पहचान उसी साधु ने उनके पिता सुंदरदास को बताई थी कि अजान बाहु है तो निश्चित रूप से यह तो कोई बड़ा सम्राट बन जाएगा और यह इतना बड़ा सिद्ध पुरुष बनेगा कि लाखों लोग इससे प्रेरणा ग्रहण करेंगे। एक दूसरी घटना की भी चर्चा मैं करना चाहूँगा, वो है उस घटना को चमत्कारिक घटना के रूप में पढ़ा जाता है मगर वो प्रतीकात्मक घटना है। मलुकदास जी की माता जी, शांति नाम था उनका, नहाने के लिए गंगा किनारे चली गई और उन दिनों अनाज रखने के लिए घड़े होते थे, घड़े में अनाज भरा था। तो कुछ साधु आए, मलुकदास जी वहीं थे, उनसे उन्होंने याचना किया कि हम लोग भूखे हैं, हमें अनाज दिया जाए। साधु का बड़ी संख्या में थे,
घटना ये बताती है कि मलुकदास जी ने जितना भी अनाज था सब साधुओं में बांट दिया। घटना ये कहती है, घटना चमत्कारिक बताई जाती है, ठीक है। जब मलुक की माता जी लौट के आईं तो उन्होंने देखा कि सारा घड़ा खाली पड़ा हुआ है, अनाज कहाँ चला गया। पूछा हम मलुक से तो मलुक ने कोई जवाब नहीं दिया, टाल दिया उनको। फिर डांट के पूछा कि कोई साधु वगैरह आए थे। मलुक ने कहा आए थे साधु, तो तुमने उनको सारा अनाज बांट दिया। तो कहते कि हम वहाँ जा करके देख तो लो पहले अंदर। और घटना ये बताती है जब अंदर गई तो देखा सारे घड़ा भरे हुए थे अनाज से। अब एक बार खाली घड़ा देखा, एक बार भरा हुआ घड़ा देखा, घटना चमत्कारिक हो गई ना। पर प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक इस दृष्टि से है कि तुम्हारा जो मन रूपी घड़ा है जब इसे तुम खाली कर लेते हो, क्योंकि जब तक ये विचारों से भरा हुआ है तब तक कोई संभावना नहीं है कि परमात्मा रूपी अनाज या परमात्मा रूपी अन्न को ब्रह्म कहा है वेद में, परमात्मा रूपी ब्रह्म तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए। जब तुम इसे खाली कर लेते हो तो परमात्मा रूपी ब्रह्म इसको भर देता है। ये प्रतीकात्मक घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। इतने अगर डूब के देखो तो हर क्या जवाब देंगे, वो कहेंगे सुनो अन्न भय उपजा भय गया, वो भय को प्रोत्साहन नहीं देंगे कभी भी। मलुक सब तरीके के भय को, चाहे वो किसी तरह का भय हो, नक्षत्रों का भय हो, ये शनिचर खराब है, ये वो खराब है, कुछ नहीं, किसी को स्वीकार ही नहीं करते। भय शब्द को निकट नहीं आने देना चाहते। अनभय उपजा दोहरा के कहा, अनभय उपजा भय गया। और हद तज बेहद लागा, हद कहते हैं सीमा को, बेहद कहते हैं असीम को, सीमा टूट करके असीम से लग गया। अनभय उपजा भय गया, हद तज बेहद लागा, और घट उजियारा हो रहा जब आत्म जागा। यानी अंदर का सारा अंधकार मिट गया, पूरा का पूरा परमात्मा के परम प्रकाश से प्रकाशित हो गया जब आत्म जागा। तो बाबा मलुकदास जी चाहते हैं कि किसी कोई भय, क्योंकि बात सही भी है, भय और प्रेम कभी एक बिंदु पर मिल नहीं सकते। ठीक है, रामायण में कहा गया है भय बिन होए न प्रीत, पर तो समुद्र के लिए कहा गया है। जब वो रास्ता देने से इनकार करता है तब ये बात कही जाती है कि भय बिन होए न प्रीत। जड़ के लिए भले ही ये जरूर ये उपयोगी हो सकता है, मगर हमारे जैसे चेतन प्राणियों के लिए ये उपयोगी नहीं हो सकता। क्योंकि भय, अब एक बकरी अगर शेर से भय खाएगी तो क्या कभी शेर से प्रेम करेगी? वो बड़ी सीधी सी बात है, बकरी कभी शेर से प्रेम करेगी? कभी नहीं करते। तो भय और प्रेम एक बिंदु पर नहीं मिल सकते। हाँ, मैं इस विषय को इधर अगर खींचूँ तो बहुत लंबा, भय जो है वही दो तरीके का होता है, प्राकृतिक भय अप्राकृतिक भय। फिर ये मनोविज्ञान का विषय आ जाएगा। तो संत मलुकदास जी एक तो ये है कि संदेश देते हैं कि भाई भय से मुक्त रहो, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, परमात्मा तुम्हारे अंदर भी जा विराजमान है। आपा खोजे त्रिभुवन सूझे अंधकार में, अपने को खोज लो तीनों भुवन तुम्हें अंदर दिखाई देगा। समय ज्यादा हो रहा है नहीं, फिर नहीं, वैसे कड़े में मैंने वहां मलुकदास जी की कई पदों की व्याख्या कर दी थी, बल्कि इस बार पूरा फोकस हमने मलुकदास जी पे ही रखा था। एक तो एक संदेश तो दिया कि भय से मुक्ति चाहते हैं मलुकदास जी,
दूसरा संदेश उनका यह है कि वो किसी वादा विवाद में फंसने नहीं देना चाहते। उनका साफ संदेश है कि जितने वाद और विवाद हैं इनको सबको अपने जीवन से हटा दो। अब मैं वाद विवाद न करी हूं, अपनी स्थिति बता रहे हैं। अब मैं वाद विवाद न करी हूं, वाद विवाद नरक का घर है। कितनी अच्छी तरीके से कहा, इनको नरक बता दिया। वाद विवाद नरक को घर है, इन दोनों से डरी हूं। अब मैं वाद विवाद न करी हूं, अब मैं वाद विवाद न करी हूं, वाद विवाद नरक को घर है, इन दोनों से डरी हूं। अब मैं वाद विवाद न करी हूं। वहां अभय की बात कही, यहां फिर डर की बात कह दी। और डर की बात इसलिए कि वाद और विवाद से मुझे डर लगता, इससे मैं अपने को बचा के रखना चाहता हूं। तो ये दूसरा संदेश है जो तुम्हें दे रहे हैं कि वादा विवाद और विवाद में कभी मत फंसना, क्योंकि विवाद से कुछ सुलझता नहीं बल्कि और जीवन उलझता चला जाता है। अब मैं आखिरी में एक छोटी सी कथा कहकर समाप्त करूंगा, बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। अगर मैं पदों की व्याख्या करने लगूं ना, सोचा था कि वो पद जो है, अब मैं अनुभव पद, जैसे कि उमेश जी ने कहा ना कि पाठ में भेद मिलता है, ऐसे इसमें भी भेद कहीं मिलता है। अब मैं अनहद पद ही समाना, और कहीं मिलता अब मैं अनुभव पद ही समाना, और दोनों ही सही बैठते हैं वहां पर। अब शब्द जो है जहाँ से इसकी शुरुआत की है, अब मैं अनहद पदे ही समाना, अब मैं अनुभव पदे ही समाना, अब का मतलब क्या हुआ? आपका क्या मतलब हुआ? आपका मतलब हुआ कि आपके पहले मुझे अनुभव नहीं था। मतलब अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये शब्द पता नहीं कि उन्होंने वहां से लिया है या खुद उनका अपना है, क्योंकि तीन सूत्र हैं, ब्रह्म सूत्र वादरायण का, योग सूत्र पतंजलि का, भक्ति सूत्र नारद का। ये जब शुरू होते हैं तो पहला ही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा शुरू कर रहे हैं, अब शब्द से प्रयोग कर। बाबा जी ने भी वैसे कहा, अब मैं अनहद पदे ही समाना, या अब मैं अनुभव पदे ही समाना। इसकी चर्चा नहीं करूंगा समय को देखते हुए, एक कथा सुनाऊंगा और उसके बाद प्रसंग को बंद कर दूंगा। चलो एक मनोरंजक बात याद आ गई, वो भी अंजला जी से जोड़ के मैं कह देता हूँ। मनोरंजक बात यह है कि एक बार बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर के समय ही गालिब भी थे, गालिब मीर ये तमाम शायर जो थे बहादुर शाह जफर के, और उनको शेर और शायरी का बहुत शौक था बहादुर शाह जफर में। तो गज जमीन भी नवी ये कुए यार में, ये उन्हीं का लिखा हुआ है। बहादुर शाह जफर ने एक बार एक अर्धाली गालिब को दी कि इसको पूरी करके ले आओ, पूरी करके ले आओ। और वो हफ्तों गुजर गया और वो आदमी भेज के पूछवाते रहे, गालिब ने कहा अभी वो नहीं पूरी हुई। फिर उन्होंने गालिब को बुलाया महल में, वहाँ बुलाने के बाद गालिब से पूछा कि भाई क्या बात है, तुम्हें हमने नीचे की पंक्ति दी थी और कहा था उस शेर को पूरा कर दो और तुम अब तक पूरा नहीं कर पाए। गालिब ने कहा बात यह है कि मैं खुद किसी शेर को पूरा नहीं करता बल्कि किसी शेर को लिखता नहीं। शेर हवा से उड़ते हुए आता है और तब मैं उसको अपने वाणी में भी का विषय बना करके लिख देता हूँ या बोल देता हूँ। बादशाह ने कहा अजीब बात है कि तू अब तक वो आया ही नहीं, कहते नहीं आया, और मैं कोई भरोसे के साथ कह नहीं सकता कि वो आवेगा। बहादुर शाह जफर ने कहा
कि सुनो ये बताओ कि मैं पखाने में बैठ करके लेटरिन में मैं पखाने में बैठ करके कई शेर पूरा कर डालता हूँ और तुम एक शेर जो है उसकी ऊपर के भाग को भी पूरा नहीं कर पाते। जब ये कहा तो गालिब ने कहा कि बादशाह बात ये है कि अब मुझे पता चला कि आपके शेर में पकाने की बदबू क्यों आती है। ये मैंने पढ़ा था कहीं कि पकाने की बदबू क्योंकि आप वहाँ बैठ के पूरा करते हो इसलिए उस बदबू आती है। अब भाई ज़्यादा नहीं, अब प्रवचन को मैं समाप्त करता हूँ, बहुत देर हो गई है ना, तो बाद में अब मिलनी चंदो वो कथा बाद में कभी किसी में फिर सुना दूंगा। आपने बड़े ध्यान और प्रेम से तुम लोगों ने मेरी बात को सुन लिया, मैं बड़ा आभारी हूँ। बाबा मलुकदास जी की कृपा बराबर सभी पर बनी रहे और निरंतर उनसे प्रेरणा लेते हुए सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। ये ज़रूर है सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है क्योंकि दुनिया ने कभी भी सत्य पर चलने वालों के साथ उनके साथ मेल मिलाप नहीं रखा है। सुकरात ने सत्य बोला, जहर पिला दिया। ईसा ने सत्य बोला, फांसी पे लटका दिया। मंसूर ने सत्य बोला, उसके हाथ पैर कलम करा लिए। है तो ये बड़ा कठिन मार्ग पर फिर भी बिना सत्य के मुक्ति भी संभव नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान, ओम शांति शांति शांति। अब मैं कुछ आवश्यक सूचनाएं देना चाहूँगी और वो इस प्रकार से हैं। पहला ये कि मासिक सत्संग अगला 2 मई को होगा, समय वही 9 बजे से रहेगा और इस सत्संग में जो भी प्रसाद देना चाहें वो अपना नाम रेणु सेठी के पास लिखवा दें। कड़ा आश्रम में पहली बार एक स्मारिका निकाली गई है और इसका सारा श्रेय श्री प्रकाश चंद कक्कड़ जी, जो पहले की यहाँ पे वक्ता भी थे, उनको जाता है। तो ये कुछ कॉपीज़ यहाँ पर लेकर आए हैं और जो एग्जेक्टिव कमेटी के सदस्य हैं उनको केवल इस बार हम ये इसकी कॉपी दे सकेंगे, लेकिन ये साथ में लेकर आए हैं और अन्य लोग जो देखना चाहें वो इसको देख सकते हैं। और ये संजीव गांधी से आप ले सकते हैं, वरना यहीं से आप आके ले लीजिएगा। एक प्रस्ताव रखा गया था कि मई में शिविर रखा जाए कि नहीं, तो इसके ऊपर डिसीजन ना लेते हुए, मतलब मेरा प्रस्ताव था कि रखा जाए लेकिन इस पर डिसीजन ना लेते हुए क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, तो गुरुजी ने कहा कि ये सभा को ही इसका वो डिसीजन दे देते हैं। तो जो लोग मई में शिविर अटेंड करना चाहते हों वो अपना नाम श्रीमती विद्या पाठक जी को लिखवा दें, वो यहाँ पर आकर बैठी होंगी सत्संग समाप्त होने पर, वो यहाँ आ जाएंगी, तो आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, उससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि मई में शिविर रखना चाहिए कि नहीं। और आज भंडारे का प्रसाद बांटा जाएगा जैसे कि हर मलुक जयंती पे होता है, और पहले ये तय हुआ था कि ये भंडारे के रूप में होगा लेकिन गर्मी को देखते हुए अभी आपको ये पैकेट बना दिए गए हैं और आपको दे दिए जाएंगे, और आप चाहें तो बाहर बैठ के उन्हें प्रसाद ले सकते हैं, वरना अगर आप घर ले जाना चाहें या जल्दी में हों तो उसको अपने साथ ले जा सकते हैं। ये आश्रम की ओर से इसका आयोजन किया गया है। तो इसके साथ और कोई सूचना है? तो इसके साथ जो मलुक जयंती का पर्व है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम सब ने मनाया और गुरुदेव का आशीर्वाद भी मिला प्रसाद रूप में, तो प्रसाद आप बाहर से बाद में ले लेंगे, पहले हम सब मिलकर बाहर लगी हुई है। अच्छा किसकी लिखी हुई है वो? रमेश बहुत सारे लोग। अच्छा वंशी और गायत्री जी का भी है, वंशी जी का भी है। अच्छा नहीं, किसने? वंशी जी ने। कमी मलुकदास जी के मूल्यांकन की एक पुस्तक है जो कि बाहर रखी गई है टेबल पर, आप लोग उसे देख सकते हैं और जो भी उसे लेना चाहे वो बाहर से ले सकते हैं जाने से पहले। एक किताब तो बाहर से ला दो, तो प्रार्थना आरंभ कर लेते हैं उसके बाद। प्रार्थना आरंभ कर। हे नाथ संभालो
इस जन को हे शरण तुम्हारे Bye.
जन को है शरण तुम्हारे चरणों में है शरण तुम्हारे चरणों में मैं सुखी रहूं या दुखी रहूं स्वीकार तुम्हारे चरणों में स्वीकार तुम्हारे चरणों में बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय बाबा संत मलूक दास जी महाराज की जय स्वामी योगीराज महाराज की जय